हेलो व्यूवर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं प्याज की खस्ता कचौरी। तो प्याज की कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बहुत सारा प्याज काट के रखा है। यहाँ पर धनिया पत्ता भी है, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। और यहाँ पर है मैदा, रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा पानी। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज की कचौरी बनाना। तो कचौरी के लिए हम लोग एक डाव बना रहे हैं। मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड तेल मिलाया है और थोड़ा सा नमक और पानी मिला के एक अच्छा सा डो बनाएंगे। और अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारा डो बनकर रेडी है। और ये ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं, ऐसे डो बनाया है। और अभी हम इसको करीब 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर जो प्याज, धनिया और सब है, इनको फ्राई करेंगे कुछ 70% तक, क्योंकि बाद में कचौरी के साथ भी पकना है इसलिए। तो हेलो व्यूअर्स, यहाँ पर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है और अभी हम यहाँ पर हींग डाल रहे हैं, जीरा और मीठा जीरा भी डाल रहे हैं। और यहाँ भी यहाँ पर प्याज भी डाला है। प्याज को करीब 70% तक पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे। और अदरक और लहसुन भी डाला है। और अभी हम इसमें मसाले मिलाएंगे। पहले थोड़ा नमक मिलाया है थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा, और थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो हेलो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। और अभी हम इसमें हरी मिर्च और धनिया मिक्स करेंगे और ये आमचूर पाउडर भी। ये हम लोग प्याज की कचौरी का स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब अच्छा से पक जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो व्यूअर्स, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। और अभी हम इसको उतार के नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो 15 मिनट रखने के बाद डाव को अभी हम इसका छोटा छोटा बल्स कर रहे हैं। और उधर हमारा प्याज का स्टफिंग भी ठंडा हो गया था, उसको ढक के रखा है यहाँ पर। और अभी हम स्टफिंग को अंदर डाल रहे हैं और फिर इसको बेलेंगे। इसको पहले वैसे मुड़ना पड़ता है ताकि अंदर का स्टफिंग अच्छा से कवर हो जाए। ऐसे करके सारे छोटे छोटे बल्स में ये हम लोग प्याज अंदर स्टफ कर देंगे। ये देखिए अच्छा से मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी
होल्स नहीं रहना चाहिए, अच्छा से हर तरीके से कवर होना देना चाहिए। ये देखिए ऐसे, और इसी तरीके से हम लोग ये सारे कर लेंगे, होने के बाद मैं दिखाता हूँ। तो हेलो व्यूवर्स, ये हमने सारे स्टफिंग अंदर डाल दिया है और अभी हम लोग इसको बेलेंगे थोड़ा सा। और अभी हम इसको थोड़ा सा बेल रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए तो इतना ही साइज रखेंगे हम लोग और ऐसे सारे को कर लेंगे। तो हेलो व्यूअर्स, ये हमारा तेल गरम हो गया है और देखिए, ये फ्राई करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा तेल लेना पड़ेगा और मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो इसको अच्छा से पकाना पड़ेगा कि अंदर का भी अच्छा से पक जाए, थोड़ा टाइम लेता है। और एक कलर, कचौरी का जैसा कलर होता है, ब्राउनिश कलर, तो ब्राउनिश कलर आने तक हम लोग इसको पकाते रहेंगे। और एक हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर रखे हुए सब कचौड़ियों को हम लोग पका लेंगे। तो हेलो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा दो कचौड़ी तैयार हो गया है और उसका कलर कलर देखिए, जैसे दुकान में मिलता है बाजार में वैसा ही बना है। तो इसको हम अभी उतार लेंगे और थोड़ी देर बाद सब हो जाने के बाद मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। हेलो व्यूअर्स, ये हमारा प्याज का खस्ता कचौरी बन के तैयार है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको हमारा बनाने का प्रोसेस अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे मेरा अमेजन का आइटम्स का बहुत लिंक दिया हुआ है और मेरा वेबसाइट का भी लिंक दिया है, आप ज़रूर विजिट करिए। तो थैंक यू व्यूअर्स।